हेलो फ्रेंड्स, अन एकेडमी क्लास 11th के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है जो कि स्टार्ट होगी 28th ऑफ दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, मनोज चौहान सर इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। पीयूष सर है, ब्रजेश सर है, नीरज सर है और शरद कोठारी सर है। ये सभी लोग क्लास 11th के लिए, जो बच्चे भी इस साल 11th में हैं उनके लिए एक रिविज़न बैच लेके आ रहे हैं जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और आप इस बैच में ज्वाइन करके आपकी जो 11th की तो तैयारी कर ही लेंगे, साथ ही में अर्ली 12th की भी एक बैच होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो ये पूरी की पूरी टीम आपको पूरी मदद करेगी जिससे कि आप खुद को प्रिपेयर करेंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए 2022 की एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा स्पार्क 2.0 बैच के बारे में, जो कि हमारी बंसल की टीम ले रही है, जिसमें समीर बंसल सर हैं, आरती बंसल मैम हैं, शाहनवाज सर है और एम ए हक सर है। इन लोगों ने भी आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट की है। ये 21st से बैच स्टार्ट हो चुकी है और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में MCQ एक बैच है हमारी, MCQ 2.0 बैच, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रणीत सर, सुरेश सर, चंद्रशेखर सर, नितिन सर और मदमाला सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो इन सब की बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप हमारा प्रोमो कोड जो कि है पवन वाघ। यहाँ पर आपको पवन वाघ प्रोमो कोड यूज़ करना है। यहाँ प्लस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन कोई भी लीजिए, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। तो ज्वाइन कीजिए अन एकेडमी बाय यूजिंग द प्रोमो कोड पवन वाघ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जिसमें से मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके मेथड्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके वो लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं स्टार्टिंग से। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल पूरा करा चुकी हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। ये सभी लोगों को पता होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर दो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स को हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। जर्म सेल्स कह दीजिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स कह दीजिए या गैमीट्स कह दीजिए या फिर गैमीट्स कह सकते हैं, कुछ भी नाम कह सकते हैं, बस नाम होंगे वो सेल। एक पेरेंट, मतलब दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, द वन इज फीमेल द अदर इज मेल, और दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्यूज्ड होते हैं और फ्यूज्ड होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जायगोट बनता है। सो हियर इन दिस सेकंड पॉइंट, फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट्स आर द टू जर्म सेल्स एंड द टू मेन प्रोसेसेस अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेन प्रोसेस होती है, जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस होती है गैमीट फॉर्मेशन की और सेकेंड प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन आ जाते हैं। गैमीट्स क्या होता है मैंने अभी, रिप्रोडक्टिव सेल्स, राइट। गैमीट्स आर फॉर्मड बाय द मियोसिस। इन मियोसिस द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड हेंस हैप्लोइड गैमीट्स आर फॉर्म। एज वी नो, देखिए जो मेल और फीमेल में गैमीट्स, यानी कि देखिए मैं गैमीट्स बोलूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी का मैं बीच बीच में रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलती रहूंगी। जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स रिलीज होते हैं, एज वी नो डिप्लॉयड होंगे। कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे कि नहीं होंगे स्टूडेंट्स? टोटल 46 होंगे, दैट मीन 23 प्रेयर्स में। सॉरी, सेम एज इट इज हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 46 होंगे, यानी कि 23 पेयर्स में। लेकिन अगर यही 46 नंबरिंग वाले गैमीट्स फर्टिलाइज्ड होंगे, यानी कि डिप्लॉयड, डिप्लॉयड
गैमीट से फर्टिलाइज्ड होते हैं तो बेबीज में कितने चले गए, 92 चले गए, राइट, मतलब इम्बैलेंस हो गया। सो दैट्स व्हाई कि मेल और फीमेल में जो गैमीट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ना, तो सबसे पहले वो मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस एंड मियोसिस आपके फर्स्ट वाले में, कि माइटोसिस आपकी सोमेटिक सेल्स में होती है, मियोसिस आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स मियोसिस प्रोसेस सेल डिवीजन को फॉलो करती हैं एंड 46 नंबरिंग से हाफ हो जाते हैं, यानी कि 23, जिसे हम लोग बोलते हैं हैप्लोइड गैमेट्स। क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ना डिप्लॉइड, हैप्लोइड। तो डिप्लॉइड मतलब जो पेयरिंग में आपके पूरे नंबरिंग में प्रेजेंट होते हैं, हैप्लोइड जो विदाउट पेयर होते हैं, यानी कि हाफ जो हो जाते हैं। सेकेंड जो मेन प्रोसेस आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो होती है फर्टिलाइजेशन। अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय द यूनियन ऑफ हैप्लोइड मेल एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन हो गई, जिसमें मदर के और फादर के जो क्रोमोसोम्स थे हाफ हाफ हो गए, 23 23, यानी कि मदर के भी हैप्लोइड हो गए, फादर के भी हैप्लोइड हो गए। अब जब मदर और फादर दोनों के सेल्स कॉम्बाइंड होंगे या फ्यूज्ड होंगे, हैप्लोइड हैप्लोइड, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों में, बच्चों में तो इक्वल जाएंगे ना, 23 मदर के 23 फादर के, हैप्लोइड हैप्लोइड डिप्लोइड हो गए। तो जो जायगोट की फॉर्मेशन होती है, तो सभी को पता है कि जायगोट बनता है, लेकिन वो कैसा बनता है, डिप्लोइड। द जायगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियोस फॉर्म। जायगोट हमारा एक सिंगल सेल होता है, लेकिन बेबी तो मल्टी सेल्स होता है। तो जायगोट जो एक सिंगल सेल है वो माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करता है और अपने एक सिंगल सेल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय हम किसे बोलते हैं, जब मल्टी सेल्स हो जाते हैं। जायगोट कहते हैं जब एक सेल होता है, एम्ब्रॉय कहते हैं जब मल्टी सेल्स होती हैं। एंड द एम्ब्रॉय डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और फिर धीरे 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 करके जो एम्ब्रॉय है बड़ा होता चला जाता है, मतलब जो बेबी का हैंड्स है, लेग्स है, हेड वाला पार्ट, बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फीटस। एंड फीटस उसके बाद डिलीवर हो जाता है आफ्टर 9 मंथ्स। सो दिस इज द होल प्रोसेस। टू पेरेंट्स, दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, द फर्स्ट वन इज मेल एंड द सेकेंड वन इज फीमेल। एंड द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ मेल पेरेंट एंड द फीमेल गैमेट्स ऑफ फीमेल पेरेंट अकर्स। और इसमें क्या होता है कि जो मेल के मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल के फीमेल गैमेट्स, दोनों ही फ्यूज्ड हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज द रिकॉम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो बेबी आता है, जो इंडिविजुअल हो गया, नया इंडिविजुअल, उसमें जो जीन प्रेजेंट होंगे वो रिकॉम्बाइंड जीन होंगे। रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने, रिकॉम्बिनेशन मतलब मदर और फादर दोनों के जो जीन और क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से कॉम्बाइन हो गए, तो बच्चों में जो कैरेक्टर जाएंगे वो रिकॉम्बाइंड जाएंगे, यानी कि दोनों पेरेंट्स के। हैंस द न्यू इंडिविजुअल शोज सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर एंड हैज सम कैरेक्टर डिफरेंट देन बोथ द पेरेंट्स। तो इसीलिए बच्चों की जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर तो पेरेंट्स से सेम एज इट इज होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर डिफर होते हैं। अब आप कहोगे डिफर कैसे हो गए, सिंपल सी बात है, मदर का अलग केमिकल, फादर का अलग केमिकल, जीन हम ले लिया, जीन के एक तरीके से केमिकल है, प्रोटीन केमिकल है, मदर का अलग जीन केमिकल, फादर का अलग जीन केमिकल, दोनों फ्यूज हुए, तीसरा केमिकल बन गया। बना के नहीं बना, केमिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं आप, एच और ऑक्सीजन और OH को आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है, क्या H2O नहीं बनता, एक नया कंपाउंड नहीं बनता, वाटर बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी तो यही हो गया कि मदर के बिल्कुल अलग जीन थे, अलग केमिकल था, फादर के बिल्कुल अलग जीन, अलग केमिकल था, ठीक है, दोनों बच्चों में गए लेकिन मिक्सड होके गए, तो तीसरा नहीं बनेगा, तीसरा एक तीसरे टाइप का एक डिफरेंट जीन बन जाएगा, केमिकल उसकी बॉडी में आ जाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो
मतलब पेरेंट्स के शो करेगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के खुद के भी होंगे जो तीसरा केमिकल बन के आया होगा। तो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने देखा इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी आप देख सकते हो इतने सारे वेराइटीज के। चाइना के लोगों को देखो एकदम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। जापान के लोगों को देखिए एकदम डिफरेंट मिलेंगे। यही आप फॉरनर्स को देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रिटेन, अफ्रीका, अमेरिका एंड न्यूजीलैंड वगैरह बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों है इतनी डाइवर्सिटी? बिकॉज ऑफ जेनेटिक, या बोल सकते हैं जीन वेरिएशन की वजह से। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। और ये जो जीन वेरिएशन हो रहा है ना, आई मीन टू सी जेनेटिक वेरिएशन, ये जरूरी भी है होना। क्यों? क्योंकि अगर सेम कैरेक्टर बच्चों में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, पेरेंट्स हैं पुराने ख्यालात के, सबके होते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चा न्यू एनवायरनमेंट में उसको सरवाइव करना है, उसे बच्चों मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, पार्टी करनी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, ऑल ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पसंद, राइट। मतलब पेरेंट्स ये सब चीज नहीं करते थे। तो जब अगर वही पेरेंट्स के कैरेक्टर सेम एज इट इज बच्चों में चले जाएंगे, बच्चे भी नहीं करेगा। लेकिन बच्चों में कुछ जीन वेरिएशन आ गया ना, अब उस जीन वेरिएशन की वजह से क्या होगा कि वो उस एनवायरमेंट में सरवाइव कर जाएगा। उसके पेरेंट्स फ्रेंड्स कहेंगे यार चल आज घूमने चल रहे हैं, ओके ठीक है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी जरूरी है, राइट। तो उस एनवायरमेंट में वो अपने आप को सरवाइव करवाएगा, एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे जीन सेम एज इट इज ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। कोई न्यू मतलब एक होता है ना कि न्यू इवोल्यूशन तो हो ही नहीं पाएगा। इवोल्यूशन नहीं होगा, एनवायरमेंट बदल रहा है, हम बैकवर्ड चले जाएंगे ना। जैसे इंडिया बैकवर्ड है फिलहाल कंपैरिजन टू अदर कंट्री, तो वही कंडीशन हो जाएगी और ज्यादा। सो ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन देम सेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटेंट। और इसकी वजह से जो प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, वो एक्सटेंट भी नहीं होते। एक्सटेंट एक्सटेंट का मतलब होता है एकदम गायब हो जाना, बिल्कुल ही खत्म हो जाना। देखिए एक्सटेंट जो पुराने टाइमिंग पे हम लोग एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें, वो एक्सटेंट क्यों हुए, रीजन क्या था? रीजन था कि उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, और जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाए वो सरवाइव नहीं कर पाए, राइट। और यही पर हम लोग डायनासोर्स, डोडो सुने होंगे आप लोगों ने, एनिमल्स में प्लांट में भी बहुत सारे थे, एक्सटेंट हो गए। वाई? कि अचानक से क्या हुआ कि जो अर्थ का टेम्परेचर था हाई हो गया, या फिर बहुत सारे इन्वायरमेंट में स्टॉर्म वगैरह, फ्लड, वॉल्केनो वगैरह, ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। आज के टाइमिंग में भी होते हैं, स्टिल लोग सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पता है फ्लड आने वाली, हम दूसरी जगह चले गए, शिफ्ट हो गए, हमें पता है यहाँ पर वार्म टेम्परेचर हमें नहीं सूट कर रहा है, हम लोग कोल्ड टेम्परेचर पे चले गए। तो उस टाइमिंग पर अगर एनिमल्स ये चीज करते हैं, माइग्रेशन की प्रोसेस को फॉलो करते कि हाँ यहाँ फ्लड है, वॉल्केनो है, देन वी हैव टू शिफ्ट टू अदर प्लेस, मे बी आज के टाइमिंग पर वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं प्रेजेंट होते, एक्सटेंट नहीं होते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो असेक्सुअल पढ़ा था, जिसमें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स का यूज करके प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दो पार्ट्स की जरूरत होगी। तो ये जो पूरा मेल और फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स के, वो प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर के अंदर। सो दैट इज व्हाई फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर फ्लोरल होल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और इस फ्लावर में फोर फ्लोरल बॉल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकेंड वन इज कोरोला, द थर्ड वन एंड्रोशियम। देखिए सबसे पहले हम बात करें कैलिक्स की। आप लोगों ने पूरा फ्लावर देखा हुआ है, तो पूरा फ्लावर में क्या होता है, जैसे सपोज करिए मैंने फ्लावर बना दिया ऐसे, इसकी ये है दिस वन, ठीक, ये फ्लावर है। फिर फ्लावर के नीचे ये स्टेम्स होती है जहां से हम उसे पकड़ते हैं। अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि इसके नीचे भी ग्रीनिश कलर की वो निकली रहती है,
पेटल्स सी निकली रहती है ना, सॉरी सेपल्स बोलते हैं, इट्स नॉट पेटल्स इट्स सेपल्स, जो नीचे ग्रीन कलर की निकली रहती है, इट इज सेपल्स। जब एक की बात करेंगे तो सेपल, लेकिन ये तो बहुत सारी होती है ना, एक दो तीन चार पांच छह कितनी भी हो सकती है। द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। चार होगी पांच होगी, अगर एक है तो सिंपल बोलिए सेपल, वो ग्रीनिश कलर की जो होती है, और जब बहुत सारी ग्रुप में प्रेजेंट है वी विल कॉल्ड कैलिक्स। सेम एज इट इज पेटल्स होती है, पेटल्स समझते हैं वो रंग बिरंगी होता है, जैसे जो कलरफुल फ्लावर की पेटल्स समझती हैं आप लोग। तो जब हम एक सिर्फ लीफ की बात करेंगे, लीफ क्या बोलूँ मैं, मतलब सिर्फ एक कलरफुल उसकी बात करेंगे तो पेटल बोलिए। जब हम लोग ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात करेंगे वी विल कॉल्ड कोरोला। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट एंड द गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, अरेंज्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इनका जो सीक्वेंस होता है आउटसाइड से लेकर इनसाइड तक, बस एक सीक्वेंस में अरेंज रहता है अरेंजमेंट। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड इसेंशियल होल्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट एंड गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, ये एसेंशियल होल्स होते हैं। एसेंशियल होल्स होते हैं क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट की वजह से ही तो रिप्रोडक्शन होता है। बाकी के जो कैलिक्स और कैरोला है, कोरोला है यानी कि सेपल्स और पेटल्स, वो एसेसरी होल्स हैं, यानी कि एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एसेसरी है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनर होल्स। क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है उसको ऐसे क्लोज करके रखते हैं ना, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स एंड दे आर इन ग्रीन कलर, लिखा भी हुआ है ना, मेंबर्स ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स मतलब जो होती है सेपल्स हम लोग इसे बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर की होती है नीचे की साइड में। एंड द मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। और जो कोरोला के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स की होती है। अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा, देखिए आपको पूरा फ्लावर दिख रहा है, देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। अब हम लोग ना स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ते हैं और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए ये स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम को हम लोग पेडिकल भी बोलते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब आपको इसके नीचे ग्रीनिश कलर की ये दिख रही है दिस वन, इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं और यहाँ पे कैलिक्स भी कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ये कलरफुल दिख रही है जिससे पूरा फ्लावर बनता है, कलरफुल ये होते हैं ना दिस वन, ये व्हाइट कलर की है, येलो भी होती है, कुछ भी होती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं पेटल्स, ग्रुप में बोलेंगे तो कॉर्पोला। अब आ जाते हैं इसके मेल और फीमेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे। एंड्रोशियम मैंने बताया मेल पार्ट, तो एंड्रोशियम में देखिए दो चीज होती है इस तरीके का, ये आपको दिख रहा है ना, ये दिस वन, सिर्फ इतना सा मैं अलग से बना देती हूँ। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट होता है। ये जो इसकी स्टेम सी दिख रही है लॉन्ग स्टेम, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, इट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये ऊपर आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंथर, इट इज कॉल्ड एंथर। और यहाँ पे जो मेल पार्ट होते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्लावर में एक ही हो, बहुत सारे हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कितने सारे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन कंडीशन है कि जो गाइनोशियम वाला पार्ट है यानी कि फीमेल पार्ट, वो एक ही होगा। चेक किसी भी फ्लावर में ले लेना, कैसे भी फ्लावर मिल लेना, गाइनोशियम एक ही मिलेगा यानी कि फीमेल पार्ट एक ही मिलेगा। अब देखिए आपको ये जो मिड वाला पूरा जो ग्रीन कलर का ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे इसकी तीन चीज प्रेजेंट होती है, अब मैं अलग से स्ट्रक्चर बनाती हूँ उसका थोड़ा सा, तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए सबसे जो अपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा अलग सा ही है राउंड में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। देन फिर आपको ये पूरी स्टेम सी दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड स्टाइल, इट इज कॉल्ड स्टाइल। फिर आपको ये पूरा स्वेलिंग पार्ट दिखाई दे रहा है नीचे की साइड, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी, इट इज कॉल्ड ओवरी। यहाँ पे दिस वन अपर वाला पार्ट स्टिग्मा,
फिर ये पूरी नीचे स्टेम साइड दिखाई दे रही है, इट इज स्टाइल। एंड लास्ट में जो आपका स्वेलिंग पार्ट है इट इज कॉल्ड ओवरी। एंड पूरे तीनों पार्ट को मिला के हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गायनोशियम, एंड्रोशियम, और पूरे सारे पार्ट्स को मिला के बोलेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मेरे ख्याल से जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं रहा होगा। फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल इफ बोथ होल्स दैट मीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। देखिए फ्लावर भी हमारे दो टाइप से होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। तो सबसे पहले बाय, बाय का मतलब क्या होता है? टू। यूनि का मतलब एक, ये तो सभी समझते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस, गुड़हल हिंदी में। अ फ्लावर इज कॉल्ड इज यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू होल्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। अब एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल वाला या फीमेल वाला, या तो एंड्रोशियम या गाइनोशियम, कोई एक ही प्रेजेंट होगा, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इट इज मेल फ्लावर, एंड इफ ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट फ्लावर इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर। पर ध्यान रखिएगा, अगर किसी फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा ना, अगर किसी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल वाला, दैट फ्लावर इज कॉल्ड मेल फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? गाइनोशियम, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? फीमेल फ्लावर, क्योंकि तो इसमें फीमेल पार्ट होता है, गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल है यहाँ पर पपाया। मेनी फ्लावर्स हैव स्टॉल टू सपोर्ट कॉल्ड एज पेडिकल, एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेडिसिल। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनको पकड़ने के लिए ना नीचे से ऐसे, जैसे रोज होता है, रोज को पकड़ने के लिए नीचे से सपोर्ट आता है, स्टॉल्क। उस स्टॉल्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें नीचे सपोर्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनके भी नीचे सपोर्ट नहीं होता है, सिंपल आप उसको तोड़ लो, एक भी स्टॉल्क, मतलब इतनी सी भी स्टॉल्क नहीं होती पकड़ने के लिए। तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो विदाउट स्टॉल्क होते हैं। सो इफ अ फ्लावर हैज पेडिकल दैट मीन्स स्टॉल्क फॉर सपोर्ट, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिलेट। वेयर इज फ्लावर विदाउट स्टॉल्क इज कॉल्ड सेसाइल। और ऐसे फ्लावर जिसमें स्टॉल्क होती ही नहीं है, नीचे तो कोई सपोर्ट ही नहीं होता पकड़ने के लिए, तो पकड़ेंगे कहां से? ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं सेसाइल। एंड्रोशियम इज मेल होल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड स्टैमेन। जैसे कि हमने देखा एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट होता है, इसके मेंबर्स को स्टैमन और एंथर कहा जाता है, इसके मेंबर्स को हम लोग स्टैमेंस कहते हैं। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक मेल पार्ट की बात करेंगे तो बोलेंगे स्टैमन, और जो ग्रुप ऑफ मेल पार्ट है इट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड द गाइनोशियम इज अ फीमेल होल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज कार्पस। गाइनोशियम जो कि फीमेल पार्ट होता है, अब अगर एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो सिंपल बोल दीजिए कार्पेल, और अगर बहुत सारी फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, रेयर केस में होता है, ऐसे होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड गाइनेशिया। दीज मे बी सेपरेटेड और यूनाइटेड। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कार्पेल है, कार्पेल मतलब फीमेल पार्ट, इसके सबसे बेस वाले पार्ट में, बेसल एंड में क्या प्रेजेंट रहती है? ओवरी। अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, और इस ओवरी से एक ट्यूब निकल के आ रही है, हॉलो जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और सॉरी स्टाइल, और इस स्टाइल के ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर टिप प्रेजेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। एंड द ओवरी कंटेन्स वन और मैनी ओव्यूल्स। और ओवरी के अंदर आपने देखा था इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर बनना है, एक्चुअली में ये होते हैं ओव्यूल्स, इट इज कॉल्ड ओव्यूल्स।
एम्ब्रॉयड सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि जो फ्लावर में होता है ना, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हाफ ऑफ हो जाते हैं। इसमें भी फ्लावर में भी सेम चीज होती है, क्योंकि क्योंकि इसमें भी तो फ्यूजन हो रहा है ना दो गैमेट्स का, मेल पार्ट का भी और फीमेल पार्ट का भी, और जब कंबाइन होंगे तो दोनों के क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे बच्चों में। तो इसीलिए फ्लावर में भी जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो भी मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके अपने क्रोमोसोम्स के नंबरिंग को हाफ ऑफ कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जितने भी ओव्यूल्स होंगे, बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4, वो मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके पहली बात तो हैप्लॉइड हो जाते हैं, और हैप्लॉइड होने के बाद हर एक ओव्यूल के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है इस तरीके से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय सैक। सैक मतलब होता है कि स्पेस बन गया। एंड ईच एम्ब्रॉय सैक कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग सैक। लिखा हुआ है ना कि हर एक एम्ब्रॉय सैक में हैप्लॉइड एग सेल्स प्रेजेंट होगा और टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और टू हैप्लॉइड क्या होंगे इसमें, पोलर न्यूक्लियाई। Now the pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is called as pollination. अब होता क्या है? Pollination तो आप लोग जानते ही हैं, जो male part होता है, उसमें anther में pollen grains produced होते हैं, formed होते हैं, और formed होने के बाद female part में enter हो जाते हैं। That whole process is called pollination. Pollination occurs with the help of a biotic agent. और पॉलिनेशन हमारा दो एजेंट्स के थ्रू होता है, अबायोटिक और बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट्स में जैसे हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन्स उड़ गए किसी दूसरे के जा पे सेटअप हो गए, पानी के थ्रू बह गए किसी दूसरे पे जाके सेट हो गए। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट और अदर एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे इंसेक्ट है किसी फ्लावर पे बैठा, उसके पैरों से पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो गए दूसरे पे चले गए। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स कुछ खा रहा है, बीज वगैरह हुए कहीं फेंक दिए, तो स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन एंड द पोलन्स जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। फीमेल पार्ट में जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, वो थोड़ा सा स्टिकी रहता है क्योंकि उसके चारों तरफ स्वीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। जैसे ही पॉलिनेशन होता है, जो पोलन्स हैं उस स्टिकी स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाते हैं एंड देन एक लॉन्ग पोलन ट्यूब बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, पोलिनेशन सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन्स में बहुत सारे मेल गैमेट्स होंगे, बहुत सारे, लेकिन ओवरी तक यानी कि ओव्यूल तक सिर्फ कितने पहुंच पाते हैं, टू मेल गैमेट्स पहुंच पाते हैं। एंड द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। नाउ द पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रॉय सैक वियर स्टाइल। यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे स्टाइल बनी थी, नीचे ओवरी थी, ये स्टिग्मा था। स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स अपने एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं। ओवरी के अंदर एम्ब्रॉय सैक प्रेजेंट होगा, ये पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर एंटर होती है विया स्टाइल यानी कि इस स्टाइल के थ्रू, और इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। एंड द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट एंड द टू मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रॉय सेक। यहाँ पे देखिए, दिस वन स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन्स है, स्टाइल है, ये ओवरी है। यहाँ पे क्या है, ये पोलन ट्यूब बन गई जिसके अंदर मेल गैमेट्स जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, यहाँ बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक का दिखा दिया है, ये क्या है, एम्ब्रॉय सेक है एक ओव्यूल के ऊपर। अब ये जो पोलन ट्यूब आ रही है, ये जैसे ही एम्ब्रॉय सेक के पास पहुंचेगी, पोलन ट्यूब की जो टिप होगी वो बस्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो दो मेल गैमेट्स हैं वो इस एम्ब्रॉय सेक के अंदर एंड एड मतलब एंटर हो जाएंगे। वन मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जायगोट। अब इसमें से जो एक मेल गैमेट होगा, एक एग सेल के साथ यूनाइट हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जायगोट, जैसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बचा सेकंड मेल गैमेट्स। अब यहाँ पे आपने हमने एक चीज पढ़ी थी, एक एम्ब्रॉय में एक एग और दो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, यही पढ़ा था। तो
तो जब एक मेल गैमीट आया तो वो तो एक एग सेल के साथ कंबाइन हो गया, जाइगोट बना लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो दूसरा सेकंड मेल गैमीट्स बचा था, जो एम्ब्रॉय सेक के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई थे ना, उन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर लेंगे, वो जो सेकंड मेल गैमीट्स था दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा और जो एंडोस्पर्म होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एज द टू मेल न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, डजंट मैटर कि वो जायगोट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, एक बार जायगोट बन रहा है एक बार एंडोस्पर्म बन रहा है, तो इसीलिए दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से हम लोग इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा होता है ओव्यूल के अंदर, जैसे ये एग है ना, एम्ब्रॉय सेक होता है, ये एम्ब्रॉय सेक का पोलर है। यहाँ पे देखिए ये एग सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ये तो एंटीपोडल्स है, ये तो कुछ होने है। अब यहाँ पे तो जायगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, अब जो सेकेंड मेल गैमेट्स था वो दो पोलर न्यूक्लिया के साथ आया, एडप हो गया और एंडोस्पर्म जो टिश्यू होता है उसकी फॉर्मेशन उसने कर ली। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका डू यू नो है, ये तो पढ़ लेते हैं। व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर्स बॉर्न ऑन सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। आप लोग जानते हैं ना सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक फ्लावर, एक प्लांट पे एक फ्लावर है, दूसरे प्लांट पे दूसरा फ्लावर है, एक के पास मेल पार्ट है दूसरे के पास फीमेल पार्ट है, तो इसका मेल पार्ट दूसरे फीमेल, दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के साथ क्रॉस कर रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाइल डिस्कवरिंग द न्यू हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट साइंटिस्ट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ ब्रश। देखिए आज के टाइम पे तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने लगे हैं। सपोज करिए कि एक रेड कलर का रोज का प्लांट है, नहीं रोज का नहीं ले रहे, हिबिस्कस का ले लेते हैं। सपोज करिए एक रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है और एक व्हाइट कलर के हिबिस्कस का प्लांट है। साइंटिस्ट चाहते हैं पिंक कलर का व्हाइट कलर का मिल जाए, तो क्या करेंगे वो, इस रेड कलर के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इस व्हाइट कलर के पॉलन ग्रेन्स के साथ हैंड के थ्रू अपना मतलब एक दूसरे के मतलब हैंड का यूज करके पॉलिनेट करा देते हैं, जिससे एक न्यू वेराइटीज, एक न्यू हाइब्रिड का प्लांट मिल जाता है, जब पिंक आ गया व्हाइट आ गया कुछ भी आ गया। तो आजकल तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराने लगे हैं साइंटिस्ट वगैरह, ताकि न्यू न्यू वेराइटीज और हाइब्रिड के प्लांट्स हमें मिल सके। ओके आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद तो एक एक्टिविटी है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ना आपका बहुत शॉर्ट दिया हुआ है, आप इसको बहुत ज्यादा लेंथी 11th में पढ़ोगे और 12th में पढ़ोगे। 11th और 12th में इसका बहुत लेंथली दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अभी आपके जितना बुक में अवेलेबल है उतना ही करिए, इनफ है आपके लिए। ओके चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू।